उसके बाद जो मुझे यहाँ पे 4 तारीख को जो मेरा मेजर डाउन टाइम था वो 1 घंटे 55 मिनट्स का था। आज हम लोग बात करेंगे A2 होस्टिंग के बारे में। हाय गाइस, मेरा नाम है कृपेश आडवाणी और A2 होस्टिंग का रिव्यू काफ़ी डिमांड में था, काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि इसका रिव्यू करो। सो फाइनली मैं इसका रिव्यू करने वाला हूं और ये एक डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है A to Z। मैंने यहाँ पे 2 वेबसाइट्स रन करके देखी, मैंने यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग भी यूज़ करी, क्लाउड होस्टिंग भी यूज़ करी, सपोर्ट टीम से एक्सटेंसिवली कॉन्टैक्ट किया है, एक्सटेंसिवली इनकी सर्विसेज को यूज़ किया है। सो एकदम डिटेल्ड रिव्यू होने वाला है ये। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं यहाँ पर पहले भी होस्टिंग के रिव्यूज़ करता आया हूँ, ये पहली बार नहीं है कि मैं होस्टिंग का रिव्यू करने वाला हूँ। तो अगर आप लोगों को मेरे पहले के रिव्यूज़ देखने तो आप लोगों को आई बटन पे मिल जाएंगे। सो शुरुआत करते हैं हम लोग इसके ओवरव्यू से। सो ये है मेरा A2 होस्टिंग का पैनल। जैसे ही मैं यहाँ पर लॉग इन करता हूँ मुझे यहाँ पर मेरा पैनल दिखाई देने लग जाता है। सो यहाँ पर मेरी सर्विसेज हैं, यहाँ पर डोमेन्स कितने हैं, डोमेन्स मैंने यहाँ पे कोई होस्ट नहीं किया है। सर्विसेज यहाँ पे मैंने 2 लेके रखी है, एक मेरी KP टेक लैब्स वाली, यहाँ पे मैंने एक मैनेज्ड VPS होस्टिंग लिया है और एक मैंने लिया है अपना शेयर्ड होस्टिंग ली है। मैं ये दोनों वेबसाइट आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने टेम्पलेट का यूज़ किया है वो जिम क्लब की टेम्पलेट है, OceanWP थीम की तरफ से टेम्पलेट आती है। मैं अपनी सारी वेबसाइट टेस्टिंग के लिए इसी टेम्पलेट का यूज़ करता हूँ। सो ये रहा मेरा डैशबोर्ड, यहाँ से मैं सी पैनल एक्सेस कर सकता हूँ, टिकट्स वगैरह यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 टिकट्स क्रिएट करी है। यहाँ पर मैं सपोर्ट टीम से भी चैट कर सकता हूँ, जैसे मैं अभी यहाँ पे कर रहा था, मैं यहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा था, इन्होंने मुझे टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया था। तो ये देख सकते हैं आप लोग कि मैं यहाँ पे सपोर्ट टीम से भी अभी चैट कर रहा था। सो ये कुछ सर्विसेज थी जो मैं यूज़ कर रहा था और कर रहा हूँ, और अभी जो फ़िलहाल मेरी एक्टिव है, ये वाली मेरी सर्विस एक्टिव है, तो मैं यहाँ पे इसमें चला जाता हूँ। और जैसे ही यहाँ पे ओपन होगा ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ जाती है, URL कौन सा है, साइट एडमिनिस्ट्रेशन का URL कौन सा है, नेम सर्वर्स कौन से यूज़ करना है। सो इस टाइप का यहाँ का इनका पैनल रहता है। ये सी पैनल नहीं है, सी पैनल भी यहाँ पे आप लोगों को मिलता है, आप लोग यहाँ से डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हैं अपने सी पैनल पे। सो ये मेरी शेयर्ड होस्टिंग का सी पैनल है जिसपे मैं अभी यहाँ पे लॉग इन करने वाला हूँ। जो यहाँ पे मैंने होस्टिंग लेके रखी है वो यहाँ पे मैंने शेयर्ड होस्टिंग ली है, और शेयर्ड होस्टिंग में मैंने लिया है इसका ये वाला स्विफ्ट वाला प्लान। कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्लान है उसके ऊपर मैं अभी आगे आऊँगा। अगर आप लोग यहाँ पे VPS यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को WHM भी मिलेगा। अब अगर यहाँ पे मैं सर्वर रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो जो मैंने दोनों होस्टिंग लिए वो मेरे सिंगापुर के डेटा सेंटर्स पर होस्टेड है। अगर मैं अपनी शेयर्ड होस्टिंग के सर्वर रिस्पांस टाइम की बात करूँ तो US में आपको 196 मिल रहा है, US ईस्ट में आप लोगों को 255 मिल रहा है, लंदन में आपको 160 मिल रहा है। सिर्फ सिंगापुर में कम है मेरा, बाकी सारी जगह मेरा 150 के ऊपर ही जा रहा है ऑलमोस्ट। तो इट्स एन ओकेश परफॉर्मेंस, ज़्यादा अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छा रिस्पांस टाइम मैं नहीं बोलूँगा इसको। सो यहाँ पर सर्वर रिस्पांस टाइम थोड़ा अच्छा हो सकता था। वहीं अगर मैं यहाँ पे सेम VPS की बात करूँ तो VPS में मुझे थोड़ा ज़्यादा बेटर सर्वर रिस्पांस टाइम देखने को मिल रहा है। जैसे बैंगलोर में मुझे 65 MS मिल रहा है जो कि अच्छा है, और बाकी US में अभी भी मेरा 150 के ऊपर ही है, बाकी जगह थोड़ा थोड़ा कहीं पर कम हुआ है। तो VPS का थोड़ा बेटर है और शेयर्ड का डिसेंट है, ज़्यादा अच्छा नहीं बोलूंगा मैं इसको। यहाँ पे अगर मैं डाउन टाइम की बात करूँ तो आई एम नॉट हैप्पी विद डाउन टाइम। अगर मैं यहाँ पर शेयर्ड होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने 2 महीने यूज़ किया है, तो जिसमें 1 महीना जो मेरा पहला महीना था उसमें मुझे 30 डेज में 99.561% का अप टाइम मिला था, जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, इट्स शुड बी लाइक 99.99%। और अगर मैं इसको डिटेल में आप लोगों को बताऊँ, थोड़ा और यहाँ पे घुस के बताऊँ, तो जैसे यहाँ पे 13/2 को मेरे 5 मिनट के लिए डाउन टाइम था, फिर यहाँ पे 6 को मेरा थोड़ा डाउन टाइम था, फिर अगेन यहाँ पे 6/2 को मेरा फिर से 4 मिनट का डाउन टाइम था, फिर 6/2 को फिर से डाउन टाइम था। तो मेरे 6 तारीख को मेरे यहाँ पे काफ़ी सारे डाउन टाइम हुए, फिर 5 तारीख को 4 मिनट का, फिर 5 को 1 मिनट का, 5 5 5 देख सकते हैं आप लोग, फिर 2 मिनट का। तो इस टाइप से यहाँ पे मुझे काफ़ी डाउन टाइम देखने को मिला है। 5 तारीख को था, फिर 4 तारीख को यहाँ पे मेरा फिर से डाउन टाइम था, फिर यहाँ पर नीचे 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 4 तारीख हो गई, फिर उसके बाद मैं आया यहाँ पर, और उसके बाद जो मुझे यहाँ पे 4 तारीख को जो मेरा मेजर डाउन टाइम था वो 1 घंटे 55 मिनट्स का था, 1 घंटे 55, 2 घंटे का यहाँ पे मेरा डाउन टाइम था शेयर्ड होस्टिंग के साथ में। और इन्होंने यहाँ पे एक चीज़ ये भी मेंशन करी है कि अगर आप लोगों को 1 घंटे से ज़्यादा का डाउन टाइम देखने को मिलता है महीने में टोटल, तो यहाँ पे वो लोग आप लोगों को कुछ क्रेडिट बैक करेंगे। लेकिन यहाँ पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, मुझे किसी भी टाइप का कोई भी क्रेडिट प्रोवाइड नहीं हुआ है। तो यहाँ पर डाउन टाइम मेरा काफ़ी ज़्यादा है। और शेयर्ड होस्टिंग की बात थी, अब अगर मैं यहाँ पे VPS होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे VPS में भी मुझे डाउन टाइम देखने को मिला है। लास्ट 30 डेज़ का बताऊँ, इसी सेम पीरियड में तो यहाँ पे मेरा 90
99.627% था, जो कि मेरे हिसाब से अगेन VPS के लिए अच्छा नहीं है। VPS में ज़्यादा मेरा अपटाइम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे VPS में भी अपटाइम देखने को नहीं मिला था। तो अगर मैं यहाँ पे इसका डिटेल्ड एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे मैं चले जाता हूँ अपनी VPS में, तो आप देख सकते हैं 19 तारीख को मेरा थोड़ा डाउन टाइम था, फिर 13 तारीख को था, फिर यहाँ पे 5 तारीख को भी था, 4 तारीख को भी था। 4 तारीख को लगता है कि इन लोगों का कुछ मेंटेनेंस चल रहा था, लेकिन मुझे ऐसा कुछ यहाँ पे नोटिफाई नहीं किया गया। 4 तारीख को मेरे शेयर्ड में भी डाउन टाइम था, VPS में भी डाउन टाइम था, तो यार ये चीज़ मुझे पल्ले नहीं पड़ी। शेयर्ड में चलो मान लेते हैं कि सर्वर रिसोर्सेज ज़्यादा हो जाती है, कभी कोई और ज़्यादा यूज़ कर लेता है तो डाउन टाइम हो जाता है, लेकिन VPS में भी डाउन टाइम, दिस इज सर्टेनली नॉट जस्टिफाइड। तो फिर मैंने एक अलग से VPS लिया, एक मैंने नया VPS खरीदा है। तो अब अगर मैं उसका आप लोगों को बताऊं तो ये रहा मेरा नया VPS, ये मैं 6 तारीख से यूज़ कर रहा हूँ, 6 मार्च से अभी तक, और अभी तक मुझे इसमें डाउन टाइम नहीं देखने को मिला है, तो ये एक अच्छी बात है। और मैंने फिर एक नई शेयर्ड होस्टिंग भी ली थी 6 तारीख को ही, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को उसका भी डाउन टाइम बताता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 6 तारीख को ली थी और इसमें मुझे अगेन डाउन टाइम देखने को मिला है 11 तारीख को मिला, 11 मार्च को मिला 16 मिनट का, फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे 16 तारीख को मिला अराउंड 3 मिनट का, और फिर 16 तारीख को फिर से मिला है। तो यहाँ पर मुझे कुछ डाउन टाइम अभी भी देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो मेरा परसेंटेज बन रहा है वो है 99.863%, जो कि 99.9% एटलीस्ट होना चाहिए एक अच्छे होस्टिंग के लिए। सो अब अगर यहाँ पे मैं स्पीड की बात करूँ तो मेरी वेबसाइट सिंगापुर सर्वर पर होस्टेड है, तो जो यहाँ पे मेरे को शेयर्ड होस्टिंग पे मिल रही है वो 2.2 सेकंड का यहाँ पे मुझे स्पीड मिल रही है, और यहाँ पे मैंने कोई किसी भी टाइप का टर्बो प्लान नहीं लिया है, तो स्पीड यहाँ पे डिसेंट है, नॉट वेरी फास्ट। अगर मैं यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करूँ तो एवरेज फर्स्ट विजिट ऑल ओवर द ग्लोब की अगर मैं बात करूँ तो मुझे 6.3 सेकंड का मिल रही है, सेकंड विजिट 9 under 1 सेकंड है, तो सेकंड विजिट इसलिए अच्छी है क्योंकि यहाँ पे कैश एप लगिन काम कर रहा है अपना। अब अगर यहीं पर ही मैं इसके VPS की बात करूँ तो VPS मुझे 1.7 सेकंड का मिल रहा है, जो कि अच्छा है, लेकिन इट्स अगेन नॉट द बेस्ट। वर्ल्ड की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 5.2 सेकंड एवरेज फर्स्ट विजिट का, और सेकंड विजिट का 1.5 सेकंड, तो यहाँ पर भी डिसेंट है इट, बट स्पीड इज नॉट द बेस्ट एज आई वॉज एक्सपेक्टिंग। काफी सारे लोगों ने मुझे कहा था कि यहाँ पे आपको स्पीड अच्छी मिलेगी, लेकिन जो सिंगापुर में जो उसके डेटा सेंटर्स हैं वहां से मुझे इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल रही है, और जो मैंने प्लान्स लिए हैं जो बीच वाले जो प्लान्स हैं वहां पर इतनी अच्छी स्पीड मुझे नहीं देखने को मिली है। अगर मैं यहाँ पे कैश मैनेजर की बात करूँ तो वो सिर्फ आप लोगों को टर्बो प्लान में मिलता है, जो कि इनका टॉप टीयर प्लान है, सिर्फ उसमें मिलता है, और अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोगों को उसके लिए सेपरेटली पे करना पड़ेगा। तो जो मेरे प्लान से उसमें कोई मुझे अलग से कैश मैनेजर नहीं मिला है। अगर मैं यहाँ पे लोड टेस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पर मैंने 50 यूजर्स को भेजा था अपनी वेबसाइट के ऊपर देखने के लिए कि क्या लोड ये हैंडल कर पाती है कि नहीं कर पाती है। तो जो मेरे शेयर्ड के रिजल्ट्स हैं वो ये रहे आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने यूजर्स को अपना भेजा, धीरे धीरे मैं भेजते गया, 13 हो गए, 14 हो गए, 15 हो गए, जैसे ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं रिस्पॉन्स टाइम है, तो ये रिस्पॉन्स टाइम भी मेरा बढ़ता गया, तो 37 यूजर्स पे पीक आउट हो गया काफी मेरा रिस्पॉन्स टाइम, और जैसे जैसे फिर मैं और ऊपर होता गया वो धीरे धीरे वापस नीचे आता गया। तो ये जो रिस्पॉन्स टाइम है इतना पीक आउट नहीं होना चाहिए, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, इट शुड बी स्ट्रेट, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर ये ज़्यादा वेबसाइट लोड हैंडल नहीं कर पा रही है, और यहाँ पर मैं यूज़र्स बढ़ाते गया, फिर मैंने 50 यूज़र्स रखे 5 मिनट के लिए अपनी वेबसाइट पे, वो रिक्वेस्ट भेजते गए अलग अलग, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट 11, कभी 12, कभी 11, कभी 12, सब यूज़र्स ने एक साथ रिक्वेस्ट नहीं भेजी, 50 के 50 यूज़र्स ने एक साथ रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे फेलियर्स भी हो रहे थे। मैंने यहाँ पे 2.6 रिक्वेस्ट भेजी है जिसमें 2000 रिक्वेस्ट मेरी फेल हो गई है, मतलब 2000 यूज़र्स को वहाँ पे कुछ नहीं दिखा है। सो अगर मैं आप लोगों को मोटा मोटा समझाऊँ तो इट्स नॉट द बेस्ट फॉर हैंडलिंग हैवी वेबसाइट्स, कि अगर आप लोग 30 यूजर्स एक साथ विजिट कर रहे हैं तो शेयर्ड होस्टिंग मत लेना। यहीं पर अगर मैं VPS की बात करूं तो VPS में मुझे काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। जैसे कि मैंने कहा था कि आप लोगों की नीचे की स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, वो ये वाली ब्लू वाली लाइन यहाँ पे स्ट्रेट है, ज्यादा पीकआउट्स नहीं है, और रिक्वेस्ट भी यहाँ पर मेरे 50 यूजर्स 50 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं एक ही बार में, सारे यूजर्स मेरे रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और ये सब इजीली हैंडल कर पा रहे हैं। और यहाँ पर मैंने अराउंड 12,000 रिक्वेस्ट भेजी है और यहाँ पर 0 फेलियर हुए हैं, तो 12,000 में से 12,000 रिक्वेस्ट 12,000 बार यूजर को दिखा है। तो ये चीज VPS की मुझे काफी अच्छी लगी, लोड बैलेंसिंग VPS में काफी अच्छी है। शेयर्ड होस्टिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ पर सिर्फ मैंने 2.6 भेजा था और यहाँ पर 2,000 रिक्वेस्ट मेरी फेल हो गई, और यहीं पर ही VPS में मैंने 12,000 रिक्वेस्ट भेजी थी और यहाँ पर मेरी कोई रिक्वेस्ट फेल नहीं हुई है। तो लोड के मामले में VPS ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेड था मुझे VPS से वो मुझे मिला, लेकिन शेयर्ड होस्टिंग में अगर 30 से ज़्यादा आप लोगों के रियल टाइम यूजर्स है तो फिर आप लोगों को कोई और होस्टिंग ढूंढनी चाहिए। डेटा सेंटर्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप लोगों को सिंगापुर में मिल जाएगा, मिशिगन में मिल जाएगा, आम्स्टरडैम में मिल जाएगा और एरिजोना में भी मिल जाएगा। तो ये 4 डेटा सेंटर्स आप लोगों को मिलते हैं A2 होस्टिंग के साथ में। बैकअप की बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को सर्वर रिवाइंड बैकअप मिलता है,
जो कि एक ऑफ सर्वर बैकअप नहीं है। ये आप लोगों को बीच के प्लान में मिलता है, जो मेरा प्लान है उसमें आप लोगों को मिलेगा, लेकिन ये ऑफ सर्वर बैकअप नहीं है। तो अगर आप लोगों के कभी सर्वर हैक हुए या फिर क्रैश हुए तो वो बैकअप चले जाएंगे। मेरे हिसाब से ऑफ सर्वर बैकअप होने चाहिए। इसका भी ये लोग ऑप्शन देते हैं, उसमें ये लोग ड्रॉप माई साइट का ऑप्शन देते हैं, लेकिन ड्रॉप माई साइट के लिए आप लोगों को अलग से पे करना पड़ेगा। इसके लिए आप लोगों को 140 रुपीज पर मंथ पे करना पड़ेगा, अगर आप लोगों को ड्रॉप माई साइट यूज करना है। तो इनोड काउंट की बात करूं, इनोड काउंट मतलब कितनी फाइल्स आप लोग अपनी होस्टिंग में रख सकते हो। तो जो यहाँ पे शेयर्ड होस्टिंग है, यहाँ पे मैं रख सकता हूँ 3 लाख से लेकर के 6 लाख तक की फाइल। जो मेरा प्लान है वो यहाँ पे 6 लाख तक की इनोड फाइल, इनोड काउंट को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर मैं 6 लाख तक की फाइल्स रख सकता हूँ अपने होस्टिंग में। CDN की बात करूं तो यहाँ पे आप लोग क्लाउड फ्लेयर वाला CDN मिल जाता है, जो कि वैसे भी फ्री रहता है। SSL की बात करूं तो यहाँ पर इनके चीपेस्ट प्लान में भी आप लोगों को SSL मिलता है। इनका जो टॉप टियर प्लान है उसमें भी SSL मिलता है। यहाँ पे आप लोग अपनी सारी वेबसाइट्स में SSL लगा सकते हैं फॉर फ्री, और यहाँ पर ये जब तक आप लोग उनकी होस्टिंग पे रहेंगे तब तक आप लोगों का SSL फ्री में एक्टिवेटेड रहेगा। ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोगों को अगले साल उसके लिए अलग से पे करना पड़े। कस्टमर सपोर्ट की बात करूं तो यहाँ पर किसी भी टाइप का फोन सपोर्ट नहीं मिलता है। 24/7 लाइव चैट सपोर्ट है, लेकिन वहां पे वेटिंग पीरियड काफी रहता है, कभी 20 मिनट का, कभी 50 मिनट का, कभी 80 मिनट का। तो लाइव चैट सपोर्ट इज मोस्टली स्लो। एंड जो टेक्नीशियंस यहाँ पे अच्छे हैं। मैंने यहाँ पे काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे हैं इन लोगों से, काफी सारे यहाँ पे मैंने टिकट्स रेस करी है। तो टेक्निकल सपोर्ट जो मुझे मिला है वो डिसेंट है, तो सपोर्ट से मुझे यहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ पे प्राइसिंग की बात करूँ तो शेयर्ड होस्टिंग में आप लोगों को यहाँ पे 3 प्लान्स मिलते हैं, एक 300 रुपये वाला, एक 360 वाला और एक 686 वाला। ये 51% पे ऑफ है। तो जो मैंने जो प्लान लिया है वो 360 वाला लिया है, जो मिडिल टीयर प्लान है वो मैंने लिया है। मेरे हिसाब से इट्स द बेस्ट प्लान। अगर आप लोग को A2 होस्टिंग से शेयर्ड होस्टिंग लेनी है तो यार ये वाला प्लान ले लो, ये अच्छा प्लान है। यहाँ पे आप लोग अनलिमिटेड वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है और डेटाबेस अनलिमिटेड है, ईमेल अनलिमिटेड है, सर्वर रिमाइंड बैकअप्स मिल जाते हैं, एड ऑन डोमेन्स भी कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान बेस्ट रहेगा। यहाँ पर VPS होस्टिंग भी आप लोगों को मिलती है, तो VPS होस्टिंग में अगर आप लोगों को लेना है तो पहले वाला प्लान मेरे लिए, मेरे हिसाब से मोर देन सफिशियंट रहेगा। पावर प्लस वाला ये ही प्लान मैंने भी लिया है, और एक मैनेज्ड VPS होस्टिंग है विदाउट रूट, तो मैंने ये वाला प्लान लिया था 1843 पर मंथ से जो स्टार्ट हो रहा है। और अगर यहाँ पे आप लोगों को विंडोज़ का भी एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, विंडोज़ होस्टिंग अगर आप लोगों को चाहिए, अगर आप लोगों को .NET यूज़ करना है, ASP यूज़ करना है, तो विंडोज़ होस्टिंग भी आप लोग यहाँ से ले सकते हैं। यहाँ पर जो इनका बेस्ट पार्ट है वो है इनकी रिटर्न पॉलिसी। आप 30 डेज के अंदर तो फुल रिफंड क्लेम कर ही सकते हो, और 30 डेज के बाद भी अगर आप लोग को चेंज करना है तो आप लोग को प्रो राटा बेसिस पे रिटर्न मिल जाएगा। मतलब आपने 3 महीने होस्टिंग को यूज किया है और बाकी के आपके 9 महीने बचे हुए हैं, आपने 3 महीने में कैंसिल कर दिया, तो जो 9 महीने का पैसा है वो आप लोगों को वापस मिल जाएगा। मेरे हिसाब से जो बेस्ट पैकेज रहेगा वो ये रहेगा कि आप लोग स्विफ्ट प्लान लें, 4 साल का ले लें, और अगर आप लोगों को रिफंड क्लेम भी करना पड़े बाद में, अगर आप लोगों को चेंज करने की इच्छा भी हो, तो भी जो आप लोगों का बचा हुआ पैसा रहेगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। डोमेन्स की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को सब डोमेन्स मिल जाते हैं फ्री में, जैसे मुझे मिला था kripeshadwani.a2hosted.com। ये एक टेम्प्रेरी डोमेन नेम की तरह भी काम कर सकता है, आप लोग इसको यूज कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को पूरा प्रिपेयर कर सकते हैं, देन अपने नेम सर्वर्स को शिफ्ट कर सकते हैं। माइग्रेशन की बात करूं तो यहाँ पे आप लोगों को फ्री माइग्रेशन मिलता है, लेकिन सिर्फ एक ही माइग्रेशन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने अनलिमिटेड वाला प्लान ले लिया, आपको 3 वेबसाइट माइग्रेट करनी है तो वो तीनों नहीं करके देंगे, एक वेबसाइट को माइग्रेट करके देंगे। सॉफ्टवेयर की बात करूं तो यहाँ पे अपाचे 2.4 मिलता है, PHP 7.4 मिलता है, जो कि एक अच्छी बात है, और Node.js का सपोर्ट है, Python का सपोर्ट है, Perl यहाँ पे रन कर सकते हैं, Ruby यहाँ पे चला सकते हैं, PostgreSQL भी मिलता है, जिसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं PHP PG एडमिन से। तो अगर आप लोग उसका यूज करते हैं तो यार ये वाला फीचर आप लोग के लिए बहुत काम का होने वाला है। एंड यहाँ पे आप लोगों को वायरस स्कैनर भी मिलता है सारे प्लान्स में। साइट बिल्डर की बात करूं तो साइट बिल्डर इज ओके, काम चला हुआ है, साइट बिल्डर से आप काम चला सकते हैं। स्टेजिंग की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को एक अलग सा सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है स्टेजिंग के लिए, तो जो सॉफ्टवेयर क्यूलस है उसका यूज करके आप लोग वर्डप्रेस स्टेजिंग कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को एक अलग से A2 होस्टिंग की तरफ से सॉफ्टवेयर नहीं मिलता है। PCI कंप्लायंस की बात करूं, PCI कंप्लायंस मीन्स अगर आप लोगों को अपने वेबसाइट पे क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट करने हैं तो उसके लिए कुछ कंप्लायंस रहती है जो कि होस्टिंग प्रोवाइडर को करनी पड़ती है, तो वो कंप्लायंस आप लोगों को A2 होस्टिंग में नहीं मिलेगी। अगर आप लोगों को वो चाहिए तो वो आप लोगों को जाना पड़ेगा उसके लिए साइट ग्राउंड WooCommerce होस्टिंग लो, वहाँ पे वो PCI कंप्लायंट है। लेकिन मोस्टली लोगों को जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि लोग थर्ड पार्टी सर्विसेज का यूज करते हैं, जैसे कि स्ट्राइप हो गई, PayPal हो गई, हम लोग वहां से पेमेंट को एक्सेप्ट करते हैं। सो बिफोर आई जंप ऑन टू द प्रोज एंड कॉन्स, अगर अभी तक
तक का आप लोगों को ये डिटेल रिव्यू अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, एंड अगर आप लोगों को परचेस करना हो तो इसके नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोज, यहाँ पर सबसे पहला प्रो है वो इसकी रिटर्न पॉलिसी। इनकी रिटर्न पॉलिसी काफी अच्छी है, कभी भी आप लोग रिटर्न ले सकते हो, आप लोगों को आपके बचे हुए पैसे मिल जाएंगे। सेकेंड, यहाँ पे स्पीड डिसेंट है, ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन इट इज डिसेंट, और यहाँ का जो कस्टमर केयर सपोर्ट है वो अच्छा है। यहाँ पर विंडोज शेयर्ड होस्टिंग को भी परचेस कर सकते हैं आप लोग, और फ्री में SSL भी मिल जाता है आप लोगों को। अगर यहाँ पर मैं इसके कॉन्स की बात करूँ तो यहाँ पे डाउन टाइम मुझे काफी ज्यादा देखने को मिला है। स्पीड यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ टॉप प्लान के साथ ही मिलेगी अगर आप लोगों को ज्यादा फास्ट स्पीड चाहिए तो, और ज्यादा यूजर्स के लिए इट्स नॉट आइडियल फॉर मोर देन 50 और मोर देन 30 यूजर्स, एंड इट अपसेल्स अ लॉट। जैसे कि जब आप लोग यहाँ पे परचेस करने जाओगे तो ये काफी सारी चीजें आप लोग अपसेल करेगा। अगर आप लोगों को स्पीड ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो, बैकअप चाहिए तो ज्यादा पैसे दो, परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए तो ज्यादा पैसे दो, फायरवॉल चाहिए तो ज्यादा पैसे दो। तो जब आप लोग इसको परचेस करोगे तो काफी सारे नीचे ऑप्शन आ जाते हैं कि ये भी टिक ले लो, ये भी टिक ले लो, 150 150 150 रुपए आपके पर महीने ऐड होते जाएंगे, तो इट अपसेल्स अ लॉट। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बॉटम लाइन। देखो यार, A2 होस्टिंग काफी सारे लोग रिकमेंड करते हैं, आई नो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि इनकी एफिलिएट कमीशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर मैं आप लोगों को जेन्युइन रिव्यू ही दूंगा। जो मुझे जो फील हुआ, जो मुझे जो मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो सब मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दिया है। तो मेरे हिसाब से इट्स गुड अगर आप लोग ब्लॉगिंग अभी स्टार्ट कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू गो विथ सम मीडियम प्राइज्ड होस्टिंग, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। या फिर अगर आप लोगों को इनके VPS प्लान की तरफ जाना है तो भी ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, इनका VPS प्लान अच्छा है। और अगर आप लोग थोड़ा अपना बजट बढ़ा सकते हैं या अगर आप लोग के थोड़े ज़्यादा यूजर्स आते हैं वेबसाइट पे तो आई विल रिकमेंड SiteGround। या अगर आप लोगों का बजट थोड़ा कम है देन गो विथ होस्टिंगर। सो इन सब के आप लोगों को बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो उसको थम्स अप दे दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चन हो तो नीचे कॉमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय। Thank you.